हेलो फूड लवर्स, स्वीट एंड सोल किचन में आपका स्वागत है। मैं सुमन आज आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल की साबुदाने और नारियल की। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो लेट्स गो स्टार्ट। साबूदाना नारियल खीर बनाने के लिए हमने एक बाउल साबूदाना लिया है, हाफ बाउल नारियल ग्रेटेड नारियल, 8 टेबल स्पून चीनी, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कोई भी लीजिए और ये ऑप्शनल है। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, थोड़ा सा घी और 1 लीटर दूध। और साबूदाने को हमने पानी में सोख करके रखा हुआ है, लगभग 30 मिनट हो गए हैं। जितना साबूदाना है उतना ही हम इसमें जब सोक करेंगे तो पानी ही डालेंगे और इसको 2 या 3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। और उसके बाद अच्छे से धोने के बाद इसको एक बाउल साबूदाने में एक बाउल ही पानी डालकर सोक कर देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। तो अब आप खीर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम दूध बॉयल करने रख देते हैं। पैन हमने गर्म करने रख दिया है, इसमें हम ये 2 टेबल स्पून देसी घी डाल रहे हैं। घी गर्म हो गया है, पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। वन बाई वन हम जो है इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। दो मिनट के बाद अब इसमें हम ये काजू और चिरौंजी भी डाल देते हैं रोस्ट करने के लिए। किशमिश भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ये नारियल को रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट और नारियल को रोस्ट करने का ये फायदा है कि इसमें जो नमी होती है वो खत्म हो जाती है, करारापन आ जाता है और टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। इन सभी चीजों को हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। नारियल को ज्यादा रोस्ट नहीं है, सिर्फ 1 मिनट ही रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम उसमें ये साबूदाना ऐड कर देते हैं। इसको हमने स्टेनर पर निकाल के रखा हुआ है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और एक एक दाना ये अलग अलग हो गया है। इस तरीके से भूनने का एक फायदा होता है कि साबूदाने भी एकदम हल्के होके एकदम खिले खिले रहेंगे और खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब ये हमने 2 या 3 मिनट ही भूने, अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है। थोड़ा दूध हम बाद के लिए रख लेते हैं, कभी कभी खीर गाढ़ी हो जाती है तो बाद में हम दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। साबूदाने एकदम से ऊपर तैर के आ गए हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। 15-20 मिनट में खीर हमारी बन के तैयार हो जाती है। लो फ्लेम पर हम इसको धीरे धीरे कुक होने देंगे और गर्म दूध डालने से ये होता है कि खीर हमारी फटती नहीं है। अदरवाइज तो कभी कभी साबूदाने के साथ दूध जो है फट जाता है। जब भी खीर बनाए साबूदाने की तो दूध को गर्म करके ही इसमें डालें। खीर को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और चीनी भी। हमने ये लगभग 8 चम्मच चीनी ली है, आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और 2-3 मिनट और इसको कुक करेंगे, फिर इसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। खीर हमारी एकदम से ये थिक होने लगी है। चीनी डालने के बाद खीर को हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि मीठा डालने के बाद नीचे से लगने लगती है। और देख सकते हैं आप ये कि साबूदाना भी एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं।
खीर बन के तैयार है। 20-22 मिनट में हमारी ये खीर बन जाती है। अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। यदि खीर थोड़ी भी ठीक लगे तो आप इसमें दूध और ऐड कर लें। काजू बादाम को हमने चॉप कर लिया है। साबूदाने की खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसे कभी भी बनाएं, बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, रेडी टू ईट।